हेलो वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर्स। सो गाइस, आपको भी शेयर मार्केट के स्टॉक्स के बारे में लेटेस्ट न्यूज जाननी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं, आज हम बात करेंगे BHEL शेयर के बारे में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, इसमें पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। आप देख सकते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर एक शेयर कुछ नीचे गिरा है, बट 5 दिन के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं इसमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। इसने एक हाई भी लगाया था 75 रुपये का, लगभग 76 रुपये तक हाई गया था। सो गाइज, इसमें उछाल का एक रीज़न है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। इसका मार्केट कैप है 23,000 करोड़ का। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है गाइज। एक एनर्जेटिक पावर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है जिसका नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। हम इसके एक न्यूज़ आई थी उस पर बात करेंगे, उससे पहले हम इसका चार्ट देखेंगे। आप देख सकते हो एक ट्रेड लाइन पे काम कर रहा है, एक रैली में काम कर रहा है। आप देख सकते हो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे फिर से एक बार सपोर्ट लेने की तैयारी कर रहा है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं करता है और यही से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो अच्छा खासा इसमें अब ट्रेंड में जाता दिख सकता है। अगर ये यहाँ पे ब्रेक करता है तो ये नीचे की ओर जा सकता है। अगर ये नीचे की ओर ब्रेक करता है तो ये इसका हम टारगेट रखेंगे 46 रुपये तक ये शेयर आ सकता है। अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो अपने जो प्रीवियस हाई है, जो इसका 52 वीक का जो प्रीवियस हाई था 76 रुपये, उसे भी क्रॉस कर सकता है और उसे क्रॉस करने में एक थोड़ा सा ही दूर है अगर ये यहाँ पे सफर लेके ऊपर जाता है तो। ये शेयर बढ़ क्यों रहा है हम इस पर बात करेंगे। हम जानते हैं कि कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ रही है और BHEL ने ऑक्सीजन सप्लाई का काम शुरू कर दिया है और ये हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। आप देख सकते हो इस कारण से इसमें ये शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हो 6,000 क्यूबिक मीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस डेली टू हॉस्पिटल इन भोपाल डे। लगभग 6,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में पहुंचाता है। 975 सिलेंडर्स इसने फ्राइडे के दिन पहुंचाए थे, जिससे इसका शेयर प्राइस में थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली है, बट ये आगे बढ़ सकता है। ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम भी कर रहा है, जब तक इस पेंडेमिक चलेंगे तब तक ये ऑक्सीजन सप्लाईज का काम करेगा और इसके अलग अलग सेक्टर में भी ये काम करता है। सो गाइज, आप इसे इंट्राडे या लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो या वॉच लिस्ट में रख सकते हो। सो गाइज, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।